एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां के गुआंगझोउ क्षेत्र में डॉक्टर्स ने 33 साल के एक शख्स के बट से शीशे का कव बाहर निकाला है। शख्स की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। एक वेबसाइट के मुताबिक शख्स शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। बताया जाता है कि 2 दिनों से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन 3 सितंबर को दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और आखिरकार रात 2 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने तुरंत उसका एक्सरे और टेस्ट किए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसके बट में एक शीशे का कफ अटका हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा मामला इतना सीरियस था कि अगर ग्लास को तुरंत बाहर नहीं निकाला जाता तो उसकी मौत भी सकती थी। डॉक्टर्स ने सबसे पहले उसे दर्द कम करने वाली दवाई दी और फिर उस ग्लास को नॉर्मली बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने सर्जरी करके उस कप को बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने बताया कि कप 8 सेंटीमीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद शख्स को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस घटना में सबसे खास बात ये थी, डॉक्टर्स से लेकर कई लोगों ने उसे पूछा कि ग्लास अंदर कैसे गया, लेकिन इसका खुलासा किसी से नहीं किया।